ना आंख झुकाकर ना आंख उठाकर बात करेंगे आंख मिलाकर। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा ही नहीं, करके भी दिखाया। ऐसा नेतृत्व दिया है कि सबके साथ प्यार के साथ चले, अपने पड़ोसी देशों की आपदा के समय पूरी मदद भी की है, किसी के ऊपर संकट आया तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भारत आगे आया है। भारत किसी जमाने में मदद लेने वाला था, आज मदद देने वालों में आकर खड़ा हुआ है मोदी जी की सरकार। और अगर किसी ने आंखें दिखाने का प्रयास किया तो जो अतिक्रमण करने की सोच रखते थे उनको मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया, और सेना के साथ पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी जी खड़े थे। प्रधानमंत्री जी सीमा पर भी गए, रक्षा मंत्री जी भी गए और सेना का मनोबल भी बढ़ाया। लेकिन उस समय राहुल गांधी जी चाइनीज अधिकारियों के साथ क्या प्लानिंग बना रहे थे देश को आज तक नहीं बता पाए, क्या खा रहे थे और क्या भून रहे थे देश को नहीं बता पाए। लेकिन मोदी जी सेना के साथ और हमारी सेना बॉर्डर पर पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। अरे राहुल गांधी जी, आपने तो हमारी सेना का अपमान तब भी किया जब उन्होंने चीन के अतिक्रमण को मुंह तोड़ जवाब दिया। आपने तो आपकी पार्टी और बाकी दलों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रशंसक खड़े किए और हमारे जवानों की हौसलों को पस्त करने का एक तरह से प्रयास किया। बार बार भारतीय सेना को नीचा दिखाने का काम कभी कांग्रेस ने छोड़ा नहीं, और बयान को भी तोड़ मरोड़ कर जिस देश के दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन ने चंदा लिया हो आज भी उसी के लिए बोलते हैं राहुल गांधी। आज एक ऐसे पड़ोसी देश को कमजोर बताते हैं जहां के आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने पर वो प्रशंसित खड़ा करते थे। राहुल गांधी जी की वाणी से क्या निकलता है सबको पता चल रहा है, क्योंकि आज तक ना वो राजीव गांधी फाउंडेशन में लिए गए चाइनीज चंदे का जवाब दे पाए, ना चाइना के अतिक्रमण के समय चाइना के अधिकारियों के साथ वो क्या कर रहे थे जब देश भारतीय सेना के साथ खड़ा था, ये इस बात का जवाब अभी नहीं। तो मैं एक बार फिर कहता हूं, जो मोदी जी ने कहा था, ना आंख झुकाकर ना आंख उठाकर बात करेंगे आंख मिलाकर।